अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी मोहम्मद वहीद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली इनसाइट। अच्छा, मैं आज विटामिन डी मुझे चूँकि इसके इंजेक्शंस मैंने लाए थे और ये मैं यूज़ करने लगा था, तो सोचा जो है आपको भी इस हवाले से मैं गाइड कर दूँ। ये इन ड्रॉप जो हैं वो इन ड्रॉप डी विटामिन D3 और ये मतलब इसकी जो ये आप डिटेल वगैरह देख सकते हैं, ये मौजूद है 2 लाख IU है। अच्छा, इसमें ये है कि ये विटामिन डी के जो हैं इंजेक्शंस हैं, ये आप इंट्रामस्कुलर भी यूज़ कर सकते हैं और ऑरल यूज़ भी कर सकते हैं। ऑरल यूज़ आप इसको दूध वगैरह में कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलर आप मसल्स में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि यूज़ आपने उसी तरह करने जो आपको डॉक्टर जिस तरह प्रेस्क्राइब करेंगे। अच्छा, विटामिन डी डेफिशेंसी आप सब जानते हैं, मोस्टली हमारे एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा है और इसमें यह है कि फटीग वगैरह हो जाती है, मसल्स और जॉइंट्स पेन आ जाता है, मुख्तलिफ सिम्टम्स होती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। और ये डॉक्टर्स ने मुझे जो चूँकि प्रेस्क्राइब्ड की हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। ये आप दोबारा से देख लें, इन ड्रॉप डी के नाम से हैं और बाकी डिटेल इसके अंदर ये मैं आपको इंजेक्शन दिखा देता हूँ। ये इस फॉर्म में इंजेक्शन होता है, इसको बेसिकली रोशनी से प्रॉपर बचाना पड़ता है, मैं ज़्यादा इसको नहीं दिखाऊंगा। ये इंजेक्शन होता है, इसके पीछे इंस्ट्रक्शंस हैं और इसमें ये एक मौजूद होती है डिटेल जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, गाइडेंस वगैरह इसमें दी होती है। अच्छा, ये मुझे जो प्रेस्क्राइब्ड हुए हैं वो 2 वीक्स में, यानी 1 इंजेक्शन जो एक इंजेक्शन है वो लेना है और टोटल ये 2 मंथ्स का है, यानी 4 इंजेक्शन्स हैं, 2 वीक्स में एक इंजेक्शन है। आप अगर इसको यूज़ कर रहे हैं दूध वगैरह में, तो आप इसको ओपन करेंगे, इसकी ये कैप है निकालेंगे और इसको तोड़ के फिर इसमें आप डाल के यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल आपने वैसे ही यूज़ करने हैं जैसे आपको डॉक्टर्स ने जो है वो गाइड किए हुए हैं। ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा आपके साथ ये चीज़ शेयर कर दूं। और विटामिन डी डेफिशिएंसी चूँकि बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसमें यही है कि अगर आप इंजेक्शंस यूज़ करते हैं और बाद में अगर डाइट अच्छी रखते हैं जिसमें विटामिन डी है, जैसे एग योक है, फ़िश है, इस तरह से और कुछ गज़ाएँ हैं, तो ये है कि साथ साथ आपको अगर विटामिन डी मिलती रहे तो आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी के फिर कम चांसेस होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।